after covering the complete theory of WPE. Now let's start discussing the problems. मैं WPE के problems दो sources से discuss करूँगा. एक तो since this H.C. Verma is a very favorite and most popular book, तो क्यों नाम H.C. Verma के doubts जो मुझसे पूछे गए पहले इनको सॉल्व कर देंगे. फिर इसके बाद जो मैंने स्टडी पैकेज दे रखा है उस स्टडी पैकेज के डाउट्स भी सॉल्व करूंगा. डब्ल्यूपीई में एचसीवी के जो डाउट्स मुझको अभी अभी लिखाए हैं, एक्सरसाइज सेक्शन में से प्रॉब्लम नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 23, and after that problem number 36, and after that problem number 51 52 56 58 61 62 63 and 64. तो प्रॉब्लम हम इन सभी प्रॉब्लम्स को क्लास में अब डिस्कस करते हैं. और इन प्रॉब्लम्स को जब मैं डिस्कस करा रहा हूं ना, व्हाट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इज हम किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं, किस तरह से उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, किस तरह से उसमें कंसेप्ट और फंडामेंटल को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको अटैक कर रहे हैं और किस तरह से फाइनली सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं. प्रॉब्लम रीडिंग एंड ग्रैस्पिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Developing the concept and fundamentals is another part. और फिर उसको कैसे सॉल्व करना. फिजिक्स में एक और बात, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं. देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम. हम कोई एक या दो मेथड हर प्रॉब्लम ये डिस्कस करेंगे. 15th प्रॉब्लम, अ पार्टिकल ऑफ मास मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इट्स वेलोसिटी वेरिंग विथ डिस्टेंस ट्रेवल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. दिस इज अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. इट वेरीज विथ distance travel. A is a constant. Find the total work done by all forces during displacement from x equal to 0 to x equal to d. Work done from x equal to 0 to x equal to d. Now this is a very simple problem. इसमें कुछ भी नहीं करना है. WPE का concept हम सीधा सीधा लगाएंगे. वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. हम सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और यह कहेंगे कि उस पार्टिकल की जो भी कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, इन फैक्ट दैट इज वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल. हम कहते हैं इनिशियली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी आई स्क्वायर और हाफ एम वी आई स्क्वायर इनिशियल वी आई इज ए अंडर रूट ऑफ एक्स आई एंड इनिशियल एक्स आई इज जीरो. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. Final kinetic energy is half m into final velocity square. Final velocity is a under root of final x and that is a under root of d. So final kinetic energy is half m vf square की जगह m squared.
हम कहते हैं चेंज इन एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम डी ए स्क्वायर. दिस चेंज इन एनर्जी, उस पार्टिकल की जो एनर्जी चेंज हो रही है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही चेंज हो रही है और कोई एनर्जी के रूप में चेंज ही नहीं हो रही है. हेंस वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर. This is my simple application of work energy theorem, which says that work done on the particle is equal to change in energy. 22nd problem solve karunga. Second problem, a 200 meter freestyle women's swimming gold medal at Seoul Olympic 1988 went to Heike Fendrick of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. Calculate average force of resistance offered by the water during the swim. अब देखिए, फालतू कहानी ढेर सारी लिखी हुई है. सियोल ओलंपिक 1988, who is the winner, who East Germany, all those things is a बकवास. उन सब चीजों को हमको ठीक है, कहानी है, हमने बता रखी है, जनरल नॉलेज हो गया. हमें जो खास चीज समझनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 200 मीटर एंड द टाइम टेकन इज 1 minute 57.56 seconds. और दिस टाइम टेकन 1 minute की जगह 60 सेकेंड रख दे तो यह हो गया 60 plus 57 1 17.56 seconds. कॉन्स्टेंट स्पीड से वहां ट्रेवल करी है तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वह डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 200 अपॉन 117.56 मीटर्स पर सेकेंड. अब क्या होता है, वाटर ने उसको जितना रेजिस्टेंस लगाया, जितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स अपोजिट उसने लगाया होगा, तभी वह कांस्टेंट स्पीड से चली होगी. रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय वाटर must be equal to force exerted by swimmer to maintain constant velocity. तभी वहां constant velocity maintain करके रखी होगी. अब हम कहते हैं पावर एग्जर्टेड इज एफ डॉट वी और मॉड एफ इंटू मॉड वी इंटू कॉस ऑफ 0 degree, क्योंकि उसने जो फोर्स लगाया था उसकी जो वेलोसिटी है वो कोलिनियर रही होगी. पावर एग्जर्टेड उन्हें दे रखा है 460 वॉट और 460 joules per second और 460
न्यूटन मीटर पर सेकेंड. दिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इनटू दिस वेलोसिटी 200/117.56 मीटर पर सेकेंड. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्विमर मस्ट बी 460 न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया अपॉन 200/117.56. This must be the force exerted by the swimmer. 23rd problem. Once again, Seoul Olympic par ye koi problem dikha. US athlete Florence Griffith Joyner won 100 meter sprint gold medal at Seoul Olympic 1988, setting a new record of 10.54 seconds. Distance is 100 meter, time is 10.54 seconds. Assume that she achieved her maximum speed in very short time and ran the race with that speed till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Uska mass 50 kg. Calculate the kinetic energy of Griffith Joyner at his full speed. Dekhiye, velocity is distance of 100 meters upon 10.54 seconds. Kinetic energy is half mv square. और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम की जगह 50 और वी स्क्वायर की जगह 100 बाय 10.54 होल स्क्वायर दिस मच जूल्स. अस्यूमिंग दैट द ट्रैक द विंड एक्सेट्रा ऑफर्ड एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 हर वेट. एवरेज रेजिस्टेंस फोर्सेस एम जी बाय calculate the work done by resistance during the run. Work done by resistance. ये तो A part हो गया. B part के लिए मैं force निकाल लिया हूं. अब work done जो निकालना है that is F dot S or mod F mod S cos of 180 degree. क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जो रेजिस्टेंस फोर्स है वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रेजिस्टेंस होता है. जिस डायरेक्शन में वह दौड़ रही है उस डायरेक्शन से अपोजिट उसको रेजिस्टेंस मिलता है हमेशा. तो इधर मैं कहूंगा वर्क डन इज एम जी बाय 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एस इंटू कॉस ऑफ 180 इज माइनस 1. एम जी की जगह 50 इंटू 10 बाय 10. डिस्प्लेसमेंट की जगह 100 और कॉस 180 की जगह पर माइनस 1. दिस इज द वर्क डन बाय रेजिस्टेंस. व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैज टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड. अब जितना वर्क रेजिस्टिव फोर्स कर रहा है जितना फोर्स रेजिस्टेंस की वजह से लग रहा है उतना ही फोर्स ग्रिफिथ जॉयनर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा और उसको जो पावर एग्जर्ट करना होगा दैट इज द सेम वर्क वो उसको लगाना होगा और इतना वर्क उसको
10.54 सेकेंड्स में करना होगा. सो पावर एग्जर्टेड इज 50 × 200. माइनस साइन का तो सिंपल सा मतलब है कि वो रेजिस्टेंस वो सब उसकी एनर्जी को कम कर रहा है और इतनी ही एनर्जी उसको अपने अंदर से इंटरनल एनर्जी से उसको डालनी पड़ेगी अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, और इतनी एनर्जी उसको डालनी है 10.54 सेकेंड्स में. सो दिस मच जूल्स पर सेकेंड और दिस मच वॉट. This is 23rd problem. Now I will solve 36th problem. Answer the kinko. Now let's start reading 36th problem. Figure show a particle is sliding on frictionless track which terminates in a straight horizontal section. If particle starts slipping from point A, how far away from the track will the particle hit the ground? देखिए इस तरह से एक सिचुएशन ने बना दी है. यह ट्रैक है, इधर इसकी हाइट है 1 मीटर, इधर इसकी हाइट है 0.5 मीटर. पार्टिकल इधर तक आने के बाद फिर जब ट्रैक छोड़ेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्व होगी. इधर से इधर तक आकर जब ट्रैक छोड़ेगा तो उसकी इधर कुछ वेलोसिटी हो जाएगी और फिर उस कुछ वेलोसिटी से वहां प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा और कहीं इधर जाकर गिरेगा. तो सबसे पहले मैं एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लेता हूं. इधर जो इसके पास एनर्जी है दैट इज एम जी इंटू एच दैट इज 1 मीटर. दिस इज इक्वल टू, और मैं पहले तो वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखता हूं, एम जी एच वन लिखता हूं इधर mgh1, और आके जो उसके पास एनर्जी हो जाएगी दैट इज mgh2 प्लस हाफ mv2. मैं m थ्रू आउट काट देता हूं और 2gh1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2, और वेलोसिटी इज अंडर रूट 2g h2. इस तरह से मुझको ट्रैक छोड़ते समय उसकी वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट ऑफ 2g की जगह 10 और h1 माइनस h2 की जगह पर 1 माइनस 0.5 0.5 इंटू 2 इज अंडर रूट ऑफ 10. दिस इज द वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड. अब यह प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन में 0.5 मीटर इसको गिरना है, तो इसके लिए टाइम निकाल लेता हूं. टाइम निकालने के लिए s = ut + ½ at² वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है 0.5 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, हाफ a की जगह जी दैट इज 10 × t². तो टाइम हो गया 2 × 0.51 1/√10. 1/√10 इतना टाइम लगेगा. अब इतने टाइम में वह कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, x = v × t. सो x = वेलोसिटी की जगह √10 और टाइम की जगह 1/√10. सो दिस इज 1 मीटर. 1 मीटर की दूरी पर जाकर वह गिरेगा. ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. और लेट अस सॉल्व 51st प्रॉब्लम. 51st प्रॉब्लम को पहले एक बार अच्छी तरह से रीड करेंगे.
one end of a string of natural length h. देखिए इस तरह की एक सिचुएशन मुझको बन रही है. यहां फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है और यहां h हाइट ही दिख रही है और इधर एक स्प्रिंग बंधी हुई दिख रही है और इस जगह पर और यह एंगल कुछ 37 डिग्री इंडिकेट करा हुआ. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k. इसकी नेचुरल लेंथ h है मतलब ये बिल्कुल वर्टिकल आ जाए तो नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा. स्प्रिंग कांस्टेंट k is fixed at ground and other end is fitted with a smooth ring of mass m which is allowed to stand on horizontal fixed rod at a height h. Initially a spring makes an angle 37 degree with the vertical end system. We find the speed of ring when the spring becomes vertical. Ab dekhiye, not a difficult problem. In fact koi bahut difficult problem nahi hai. जब यह स्प्रिंग इधर आएगी तो अपने नेचुरल लेंथ पर होगी और इस समय इस मास की वेलोसिटी क्या होगी. वंस अगेन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है. हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो और फाइनली कुछ फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी है. फाइनली वी हैव गॉट फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी. इट्स हाफ एम वी स्क्वायर. इधर रिंग का जो भी कुछ मास है वह रेस्ट पर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो. इस समय पर जब वह आएगा, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल. इधर कुछ फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं इनिशियल एलोंगेशन, फाइनल एलोंगेशन इज जीरो, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ के एफ स्क्वायर इज जीरो. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मगर फाइनल इनिशियल कुछ फाइनाइट एलोंगेशन है तो इनिशियल एलोंगेशन मैं देख लेता हूं. देखिए दिस इज एच एंड दिस इज 37 डिग्री. सो दिस लेंथ एल और एच अपॉन एल इज कॉस 37. एच अपॉन एल इज कॉस 37. Cos 37 is, I think, 4 by 5. So, L is 5H by 4. So, initial elongation is L minus H or 5H by 4 minus H or this is H by 4. The initial. So, फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के दिस एच बाय फोर. अब हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के इंटू एच स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल इज जीरो. सॉल्व फॉर द वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए सॉल्व कीजिए और 52nd प्रॉब्लम फिर ध्यान से पढ़ना चालू कीजिए.